अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। मनुषी छिल्लर ने चीन में आयोजित 2017 के लिए प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड खिताब जीते हैं। वर्ष 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का मुकुट जीतने के 17 साल बाद जीत दर्ज की है। 2016 के मिस वर्ल्ड विजेता मिस प्योर्टो रिको स्टेफनी डेल वाले ने उनको मुकुट पहनाया है। रीता फरिया 1966 में पहली बार खिताब जीतने वाली भारतीय महिला थी। फरिया के बाद 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब ऐश्वर्या राय बच्चन जीते थे। श्रीमती बच्चन के बाद 1997 में डायना हेडन को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था। 1999 में युक्ता मूखी और 2000 में प्रियंका चोपड़ा छिल्लर मिस वर्ल्ड जीतने वाली छठे भारतीय महिला है। उन्हें 25 जून 2017 को पहले फेमिना मिस इंडिया 2017 का पुरस्कार मिला था। उनका जन्म 14 मई 1997 को हरियाणा में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर मित्रा बासु छिल्लर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक है, जबकि उनकी माँ डॉक्टर नीलम छिल्लर मानव व्यवहार और संबंध विज्ञान संस्थान के एक सहयोगी प्रोफेसर और विभाग के न्यूरोकेमिस्ट्री के प्रमुख है। छिल्लर नई दिल्ली में सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ाई करते थे और सोनीपत में महिलाओं के भगत फूल सिंह सरकारी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा और सर्जरी में अपनी बैचलर डिग्री कर रहे हैं। इसीलिए वो एक हृदय सर्जन बनना चाहते हैं। वो एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक है और उन्होंने महान नर्तक राजा और राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी के तहत प्रशिक्षित किए हैं। छिल्लर अभिनय के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी शामिल हुए हैं। वे पेंटिंग और कविता पसंद करते हैं। वो अपने खाली समय में तैराकी का आनंद लेती है। असाधारण प्रतिभाशाली होने के अलावा मनुषी की अंग्रेजी भाषा के लिए भी एक स्वभाव है और 12वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय CBSE में शीर्षस्थ थे। छिल्लर के अनुसार आकाश की सीमा है, हम असीम है, सुंदर कामुक और भव्य दीवा ने पहले मिस फेमिना इंडिया 2017 जीते थे। उन्होंने परियोजना के लिए लगभग 20 गांवों का दौरा किया है और मासिक धर्म की स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 5000 से अधिक महिला का इलाज किए हैं। उनकी पहल को परियोजना शक्ति कहा जाता है। छिल्लर ग्रामीण क्षेत्रों में गैर लाभकारी अस्पतालों को खोलने की योजना बना रहे हैं। 25 जून 2017 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2017 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया था। प्रतियोगिता के दौरान छिल्लर को मिस फोटोजेनिक का ताज पहनाया गया और मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हासिल करने के साथ साथ इस प्रतियोगिता में भी जीत हासिल हुई। मिस वर्ल्ड 2017 में छिल्लर को 18 नवंबर को मिस वर्ल्ड 2017 में सौंदर्य पुरस्कार के 5 विजेताओं में से एक का नाम दिया गया था, जो चीन के सन्यासी एरिना में था। शीर्षक के अन्य विजेता दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस के प्रतियोगियों हैं। 21 वर्षीय मेडिकल छात्र जिन्होंने एक पूरे वर्ष की पढ़ाई बलिदान किया मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। उन्होंने कहा कि 1966 में मिस वर्ल्ड मुकुट जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई रीता फरिया को देवता की तरह
पूजा करते हुए बड़े हुए हैं। सिरसा पास तक पहुंचने के बाद चिल्लर को सवाल पूछा गया कि किस पेशे में उन्होंने सोचा था कि वो सबसे ज्यादा वेतन और क्यों लायक है। उनके जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी माँ अपने जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा थी और माता सर्वोच्च सम्मान के योग्य थी। मिस वर्ल्ड वेबसाइट पर उल्लिखित उनके व्यक्तिगत मोटोस, जब आप सपने के लिए रुकते हैं, तो आप जीवित रहना बंद कर देते हैं और अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए साहस और अपने आप में विश्वास करने की योग्यता जीवन को जीवित रहने देता। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर ऐसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।